I welcome you all to the official channel of Broadway Eater Academy. This is Neet Kamal and मैं आपके लिए कुछ words लेके आई हूँ जो हम time phrases को बताने के लिए use करते हैं but sometimes we mismatch the meanings of these. So in this video I shall be discussing all those words to you. First of all perhaps. अब perhaps को हम कब use करते हैं जब हमें शायद की बात बोलनी होती है then we use the word perhaps. Second word is frequently. Frequently word हम time phrase में तब use करते हैं जब हमें किसी चीज की happening वन टाइम आफ्टर दी अदर बार बार किसी चीज़ के बारे में बताना है सो हम वहाँ पे वर्ड फ्रीक्वेंटली को यूज़ करते हैं. इसी तरह से ऑफन. ऑफन का मतलब होता है अक्सर ये चीज़ होती रहती है तो अक्सर वाली चीज़ को बताने के लिए वी यूज द वर्ड ऑफन फॉर द टाइम फ्रेज. इसी तरह से सेल्डम. सेल्डम हम यूज़ करते हैं कभी कभार. अगर हमें बोलना है कि कभी कभार वो चीज़ होती है वहाँ पर हम सेल्डम वर्ड का यूज़ करते हैं. इसी तरह से अक्रॉस. वर्ड जो है अक्रॉस वर्ड को हम यूज़ करते हैं आर पार बताने के लिए. अक्रॉस द ब्रिज इस तरह से बोल सकते हैं तो वहाँ पर हम किसी भी डायरेक्शन के बारे में जब बात कर रहे हैं आर पार के बारे में वहाँ पे बता सकते हैं अक्रॉस वर्ड को यूज़ करके. एडमिस्ट. एडमिस्ट को यूज़ करते हैं हम बीच में बताने के लिए. इन बिटवीन की बजाय हम एडमिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से ऑब्वियसली. ऑब्वियसली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बिल्कुल श्योरिटी है उस चीज़ के बारे में दैट इट इज़ द थिंग ऐसा ही होने वाला है या ऐसा ही हुआ है वहाँ पर हम उसे बोल देते हैं ऑब्वियसली. जाहिर सी बात है इस चीज़ को भी बताने के लिए हम ऑब्वियसली का यूज़ करते हैं. सो आई थिंक ये सो वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. आप इन वर्ड्स को सीखेंगे और इनसे आपकी जो इंग्लिश लर्निंग कैपेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी. इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9216780780 पे कॉन्टैक्ट कीजिए. थैंक यू.